अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आज़म। 8242 इंस्टॉलेशन प्लानिंग और एस्टिमेटिंग के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जोन सा है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा है अलार्म सर्किट्स के मुतालिक। ठीक है, बेसिकली हम इसके अंदर देखेंगे कि जो फायर अलार्म है कि वो क्या है, और फायर अलार्म की जो टाइप्स हैं वो कितनी तरह की हैं, और वो कैसे हमारे पास, हम उसके सर्किट के मुतालिक देखेंगे कि वो सर्किट बेसिकली कैसे काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ फायर अलार्म। फायर अलार्म क्या होता है? तो बेटा, फायर अलार्म ऐसी चीज़ है जो कि क्या है, बड़ी या दरमियानी किस्म की इमारतों या फैक्ट्रियों में आग के हादसे की सूरत में काम करने वाले मुलाजमीन या दूसरे लोगों को मुतवज्जा करने के लिए ऐसा सर्किट लगाए जाते हैं जो आग लगने पर एक ख़ास किस्म का अलार्म मुहैया करते हैं। ये सर्किट क्या कहलाता है? फायर अलार्म सर्किट कहलाते हैं। जबकि आग लगने की सूरत में बचने वाले अलार्म, बजने वाले जो अलार्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? फायर अलार्म कहते हैं। 1937 में 1937 में बनाए गए फैक्ट्रियों के कवानीन के मुताबिक हर वो फैक्ट्री जिसमें 20 से ज़्यादा अफराद काम करते हैं तो वहाँ इस किस्म का सर्किट नस्ब करना ज़रूरी होता है। बेसिकली फायर अलार्म सिस्टम का मकसद क्या है? मकसद उसका यह है कि आग लगने की सूरत में क्या करना है, इसके ख़तरे से फ़ौरन आगाह करना है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, इंसानी जानों के नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा इसका मकसद ये होता है कि आग बुझाने वाला जो अमला, जो स्टाफ है, इसकी फौरी तवज्जो भी क्या करना है, हासिल करना होती है। तो फायर अलार्म चूँकि एक मतलब के इमीडिएटली सूरत हाल की इतला करता है, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि इसकी आवाज़ क्या हो, पूरी कमर्शियल बिल्डिंग या फैक्ट्री में काम करने वाले हर फर्द को क्या हो, अच्छे तरीके से वो सुन ले। इसीलिए क्या किया जाता है कि हर फर्द तक अलार्म की आवाज़ पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि अलार्म को ऑन करने के पॉइंट्स इमारत या फैक्ट्री में वाज़ेह जगहों पर आसानी से दस्तयाब होने चाहिए। ठीक है जी, ताकि किसी भी एमरजेंसी या आगामी सूरत में करीब तरीन वाक़या अलार्म पॉइंट से फ़ौरन अलार्म ऑन किया जा सके। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास फायर अलार्म्स हैं, और फायर अलार्म्स की हमारे पास क्या हैं, दो टाइप्स हैं। नंबर वन है इसके अंदर हमारे पास सिंपल फायर अलार्म। ठीक है जी, देर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल फायर अलार्म। नंबर वन ओपन सर्किट फायर अलार्म एंड नंबर टू क्लोज सर्किट फायर अलार्म। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन सर्किट फायर अलार्म? अगर हम देखें कि ओपन सर्किट फायर अलार्म की कंस्ट्रक्शन क्या है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ओपन सर्किट फायर अलार्म। तो ओपन सर्किट फायर अलार्म ऐसा फायर अलार्म होता है जो कि क्या होता है कि मतवाजी में पैरेलल में लगे हुए अलार्म पॉइंट्स पर मुश्तमिल ऐसा सर्किट जो आम या नॉर्मल हालत में गैर एनर्जाइज, डी एनर्जाइज होता है और अलार्म सर्किट ओपन होता है, ओपन सर्किट फायर अलार्म कहलाता है। ठीक है जी, तो ओपन सर्किट फायर अलार्म की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगी? सबसे पहले उसके अंदर उसके मेन बेल होगी, देन उसके पास रिले होगी जो कि क्या है, नॉर्मली ओपन होगी, जिसके कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, नॉर्मली ओपन होंगे। ठीक है, रिले आपको पता है ना, रिले हमारे पास क्या होती है, हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि रिले इज अ सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है, जो कि क्या करती है, हमें डिफरेंट किस्म के जो गैर किस्म डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा था पीछे कि हम लोगों ने रिले क्या किया था, सर्किट ब्रेकर के साथ इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर भी रिले क्या कर रही है, यहाँ पर भी एज आ वो सिक्योरिटी के तौर पर क्या कर रही है, काम कर रही है। इसके अलावा क्या है, इसके अंदर एक्सिलरी बेल है, और क्या है, सप्लाई सोर्स है, साइलेंसिंग स्विच है, और क्या है, रेड कलर्स के अलार्म पॉइंट्स है। हम वापस चलते हैं इसकी डायग्राम के ऊपर। ये हमारे पास ओपन सर्किट जोन सा है फायर अलार्म की क्या है, सर्किट डायग्राम है। ठीक है जी, तो अगर आप डायग्राम में देखें क्या है कि एक छोटा सा फायर अलार्म सर्किट दिखाया गया, ये बेसिकली क्या है, एक छोटा सा फायर अलार्म सर्किट दिखाया गया जो कि क्या है, छोटी तनसीबात में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं ना, आप लोगों की बुक के ऊपर भी सेम यही डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि इसमें तीन अलार्म पॉइंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मतवादी जुड़े होते हैं। ये देखिए ना, तीन पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3, और तीनों आपस में क्या है, पैरेलल के अंदर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। इसके साथ ये मेरे पास क्या है, ये अलार्म रिले है, ये क्या है, ये साउंडर कॉन्टैक्ट्स हैं, ये मेन बेल है, ये एक्सिलरी बेल है, साइलेंसिंग स्विच है, और ये क्या है, बैटरी है। बेसिकली ये सारा फिनोमेना जोन सा है वो इस तरीके से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब इनमें से किसी एक स्विच को ऑन या ऑपरेट किया जाता है तो अलार्म क्या होता है, सर्किट मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, अलार्म रिले की कॉइल्स क्या होती हैं, एनर्जाइज होती हैं, और साउंड सर्किट के कॉन्टैक्ट्स को मिला देती हैं, जिससे बड़ी घंटी जो मेन बेल है वो क्या होती है, बजना शुरू कर देती है। ये हमारे पास मेन बेल है, जब कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो ये मेन बेल क्या होगी, बजना शुरू कर देती है। जब तक सर्किट क्या होगा, मुकम्मल रहता है, ये क्या होती है, बढ़ती रहती है। बड़ी घंटी को क्या कहते हैं, साइलेंसिंग स्विच। बड़ी घंटी को अगर आपने खामोश करवाना है तो उसको क्या किया जाता है, ये जो साइलेंसिंग स्विच है
साइलेंसिंग स्विच जो कि क्या है, टू वे स्विच होता है, इसकी मदद से खामोश किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से हम दादी घंटी क्या होती है, अगली जो घंटी है वो क्या होती है, बजना शुरू कर देती है। ये घंटी भी इस वक्त तक बजती रहती है जब तक ऑन या ऑपरेट किए गए स्विच को दोबारा अपनी असली हालत में ना लाया जाए। ठीक है जी, अगर अलार्म पॉइंट को अपनी असली हालत में लाने से पहले इमदादी घंटी को बंद किया जाएगा तो क्या होगा कि मेन बेल दोबारा बजनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही सूरतों के अंदर क्या होगी, जब भी आप इसको कंट्रोल करोगे तो इसको कंट्रोल करने लोगे तो ये बजना शुरू हो जाएगी, इसको कंट्रोल करोगे तो क्या होगा, अगली बेल बजना शुरू हो जाएगी। अगर अलार्म पॉइंट को अपनी हालत में असली हालत में लाने से पहले इमदादी घंटी को बंद किया जाए तो बड़ी घंटी मेन बेल दोबारा बजना शुरू हो जाती है। बस क्या होता है कि अलार्म पॉइंट को अपनी असली हालत में लाकर ही सर्किट को ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा साइलेंसिंग स्विच को दोबारा पहली हालत में रीसेट करना चाहिए। तो साइलेंसिंग स्विच है उसको पहली हालत के अंदर क्या कर दें, आप रीसेट कर दें। इससे भी क्या होता है कि इसे कनेक्शन में मेन बेल के साथ जुड़ जाते हैं और दोबारा किसी स्विच के ऑपरेट करने पर मेन बेल के नहीं बच सके। ठीक है जी, देन फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज सर्किट फायर अलार्म सिस्टम। वट इज अ क्लोज सर्किट फायर अलार्म सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं बटन, क्या है जी, ये जो पॉइंट्स हैं सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए अलार्म पॉइंट्स पर मुश्तमल ऐसा फायर अलार्म सर्किट इसमें लगी हुई फायर अलार्म रिले क्या होती है, ये भी क्या होती है कि नॉर्मल हालात में, ये क्या होती है कि नॉर्मल हालात में एनर्जाइज होती है, वहां पर पीछे क्या था कि डी एनर्जाइज होती है ओपन सर्किट में, यहां पर क्या है कि फायर अलार्म में जो रिले लगी है वो क्या होती है, एनर्जाइज होती है और अलार्म सर्किट नॉर्मली क्लोज होता है, क्लोज सर्किट फायर अलार्म कहलाता है। इसके भी जो हमारे पास क्या है उसी तरीके से क्या है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, इसके अंदर भी मेन बेल है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, ऑक्सिलरी बेल है, सप्लाई सोर्स है, साइलेंसिंग स्विच है, रेड कलर बटन हैं जिनको हम पुश बेल भी, पुश बटन भी कहते हैं। ठीक है, सीरीज के अंदर है। ठीक है जी, तो जी अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग को। तो आप देख रहे हैं कि इस शक्ल के अंदर भी क्या है कि छोटा सा क्लोज सर्किट फायर अलार्म सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है जी, इसमें भी तमाम अलार्म पॉइंट्स, इसमें तमाम जो अलार्म पॉइंट्स क्या है वो सिलसिलावार हैं, क्या है, सीरीज के अंदर है। उसके अंदर क्या था कि वो जो हमारे पास पॉइंट थे वो क्या थे, पैरेलल के अंदर थे, यहाँ पर क्या है ये सीरीज के अंदर है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो अलार्म पॉइंट क्या होता है, आम तौर पर ऑन या क्लोज होते हैं। ये हमारे पास क्या है, अलार्म पॉइंट्स क्या है, आमतौर पर क्या है, वो कह रहा है कि आमतौर पर ये हमारे पास क्या होते हैं, आमतौर पर हमारे पास ये जो अलार्म पॉइंट क्या होते हैं, ऑन होते हैं या क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अलार्म रिले नॉर्मल हालत में क्या होती है, एनर्जाइज रहती है और साउंड सर्किट के कॉन्टैक्ट्स खुले ओपन होते हैं। ये साउंड सर्किट के कॉन्टैक्ट्स हैं, ये क्या है देखें, खुले हैं, ओपन है। ठीक है, एमरजेंसी या हंगामी हालत में जब कोई एक फायर अलार्म पॉइंट ऑपरेट किया जाता है यानी ऑफ पोजीशन पर लाया जाता है तो क्या होता है कि रिले कॉइल डी एनर्जाइज हो जाती है और साउंड के कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मेन अलार्म बेल क्या होती है, बजना शुरू कर देती है। ठीक है, और साइलेंसिंग स्विच, लास्ट टाइम हमने इसको देखा था कि साइलेंसिंग स्विच का अमल क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह ही है, मजीद बड़ा साइलेंसिंग स्विच को दोबारा पहली हालत में रीसेट करना चाहिए ताकि इसके कनेक्शन में बेल के साथ जुड़ जाएं और दोबारा किसी स्विच के ऑपरेट करने पर मेन अलार्म बेल ना बज सके। ठीक है जी, होप सो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं उनकी आइंदा बात करते रहें। स्टे होम एंड स्टे सेफ।